झारखंड के कोडरमा में सांसद विधायक की फटकार के बाद शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। परिषद ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। शहर के सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान लगाने वालों में दिन भर हड़कंप मचा रहा। सड़क किनारे फुटपाथ दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। दुकानों के बाहर अवैध रूप से होर्डिंग बैनर को उखाड़ कर फेंका गया। स्टेशन रोड से पूर्णिमा टॉकीज और झंडा चौक से रजगड़िया मोड़ तक अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त किया गया। एसडीओ संदीप कुमार मीणा ने बताया कि जिन छोटे व्यापारियों को हटाया गया उन्हें वेंडिंग जोन में चिन्हित कर व्यापार चलाने की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि शहर में सुगम यातायात व्यवस्था स्थापित हो सके। देखो, यदि हम लोग क्योंकि जो आप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आज जो एनक्रोचमेंट रिमूवल हुआ है उसके बाद हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से कोशिश करेंगे कि जितनी जगह खाली है उसको हम लोग यूज़ करें। जैसे पुल के नीचे वाला पोर्शन है इसको हम प्रॉपरली पार्किंग के रूप में यूज़ करेंगे, और क्योंकि जिन लोगों को हटाया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग भी अपना व्यापार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो जितना एरिया खाली हुआ है उसको प्रॉपरली वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन जो जहाँ पे आप नहीं बेच सकते हैं वो क्लियर कट हम डिमार्केट करेंगे, जिससे लोग वहीं पे दुकानें लगाएंगे और कहीं बाहर निकल के नहीं जाएंगे। जो वेंडिंग जोन हो चाहे पार्किंग जोन हो उसमें हम प्रॉपरली बैरिकेडिंग करेंगे जिससे लोग बाहर निकल के ना आए। और ये कार्यवाही ऐसा नहीं कि आज ही हुई है, हमारा प्रयास रहेगा कि हम लगभग 3 से 4 दिन में या 7 दिन में इस कार्रवाई को हम दोहराएं।